दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम कई ऐसी वेबसाइट्स रहती हैं जहाँ पे हम कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं और उसे बार बार ओपन करके हम जो है कई जानकारियाँ लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी ब्राउज़र है जहाँ पे आप ऑफलाइन सेट कर सकते हैं पूरे वेबसाइट को, और उसके बाद बिना डाटा के भी उसे आप देख सकते हैं, उस वेबसाइट में जा सकते हैं। तो देखिए, इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी वेबसाइट, जैसे एक ये वेबसाइट है, इसमें मैं बहुत सारी आर्टिकल पढ़ता हूँ। तो जैसा कि अगर इस वेबसाइट को मैं बार बार ओपन करूँगा तो मेरा बार बार डाटा लगेगा। तो इसके लिए सिंपली इसकी जो है यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में एक ऐप डाउनलोड करना है, ऑफलाइन ब्राउज़र। ये ऑफलाइन ब्राउज़र आप सर्च करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ रहा है। ये इस तरीके का आइकन होगा, इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। अब देखिए ये है, अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको प्लस का निशान दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको ये लिंक पेस्ट कर देना है। ये लिंक पेस्ट कर दिया, जो नाम रखना है आपको उसका टाइटल रख दीजिए। जैसे कुछ भी मैं यहाँ पर अभी रख देता हूँ, माई लिख दिया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। देखिए यहाँ पर 5% 10% ये दिखा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखें कि जितना बड़ा वेबसाइट होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा डाटा लगेगा एक बार डाउनलोड होने में, क्योंकि यहाँ पर पूरा वेबसाइट ही डाउनलोड हो जाता है। अब आप ये मत सोचिए कि इसमें जो है वो ऑफलाइन सेविंग की तरह एक पेज ही सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं ये इसे थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारा जो है डाउनलोड ख़त्म होने वाला है, 98% हो चुका है, अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब चलिए मैं अपना नेट बंद कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से डाटा ऑफ कर दिया। चलिए मैं ऑफलाइन भी देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, डाटा तो बंद ही हो गया। अब उसके बाद आप इसे जैसे ओपन करेंगे ये लोडिंग हो रहा है। अब देखिए ये लोड हो चुका है। अब इस तरीके से देखिए पूरा पेज जो है ओपन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें तो खुल रही हैं, मैं आपको और भी दूसरा पेज यहीं से ओपन करके दिखा देता हूँ ऑफलाइन में भी। अब देखिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल पे करता हूँ तो ये दूसरा आर्टिकल ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए आप पूरा यहाँ पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं ऑफलाइन में। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपकी डाटा बचत करने के लिए।